अभी तो पूजा के लिए आए थे हम, तो यहाँ पे मंदिर में मत्था टेकने के लिए। तो ऐसे ही हम पुल से जा रहे थे तो मेरा ब्रदर कहता है यार देख बर्फ जमी हुई है यहाँ तो। मैंने कहा बर्फ नहीं है, ये गंदगी है, फैक्ट्रियों की यहाँ से डाल देते हैं ना पानी। सैटरडे को हम जा रहे थे तब तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो गया कि मतलब साथ खड़े भी नहीं हो सकते, डर लग रहा है टच करने पे भी कि पता नहीं क्या ही है। यहाँ पे तो इतनी सुविधा दे रखी है सरकार ने कि साफ कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं कर रहे। क्योंकि अभी मैं टच कर रही थी तो ऐसा लग रहा नाले का पानी सर पे डाल रहे हैं, पानी नदी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, नाला ही है पूरा ये, और नाला ही कहेंगे, नदी नहीं रह गई है। यहाँ पूजा के लिए आए थे तो पिछली बार आए थे तो बिल्कुल साफ थी, कोई गंदगी नहीं थी, लेकिन आज एकदम देखा तो बहुत ज़्यादा गलत लग रहा है, बेकार, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकार कहती है हमने बहुत सफाइयाँ करी हैं, क्या सफाइयाँ करी है देख लो आप खुद ही। फैक्ट्रियों का कूड़ा है, नाले हैं, उसका सब आ रहा है, तो इसको कौन रोकेगा? इसको ये सरकार ही रोक सकती है। और ये कूड़ा कचरा जो हो रहा है, किसी को भाई पूजा पाठ की मूर्ति वगैरह डाल दे तो कूड़े को हम करते बाहर डाल दो, बाहर नहीं डालते अंदर ही डालते जान पूछ को।